आज तो सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो ये अपन ने जब से साइलेंसर डाला है भैया, तब से मतलब इस ट्रैक्टर की मतलब आवाज़ तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी पावर भी बढ़ गई। बाकी आज का अपना क्या काम है, कैसे क्या है, वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। रुक जा भाई, रुक जा। ये रहा कुछ अपना भैया ट्रैक्टर। तो अभी देखो मौसम कैसा हो रहा, और अब जो है कि अपने को खेतों को तैयार करने का टाइम आ चुका है, ताकि हवाएं बहुत चल रही है। बाकी यार म्यूजिक सिस्टम अपना बंद ही पड़ा है, तो एक तो ये काफ़ी नुकसान वाली बात है कि इतना हैवी म्यूजिक सिस्टम और इतना महंगा अपन ने लगाया, लेकिन ख़राब पड़ा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला उसको सुधराने में। और जहाँ पर वो एम्पलीफायर अपनी पड़ी है बस वहाँ पर पड़ी ही है, उसका सामान ही नहीं मिल रहा। बाकी अभी अभी मैंने जो है कि इसको उड़ा दिया, ताकि कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अभी अपने को खेतों को तैयार करना है। बाकी साइलेंसर डालने से मतलब काफ़ी लुक इसकी आ रही है, सिर्फ दो एक चीज़ की और कमी रह गई है भैया स्टेयरिंग की, तो वो भी बहुत ही जल्द अपन पूरी कर देंगे। बाकी कुछ इस प्रकार का चलते हैं अभी खेत पर और खेतों को तैयार करेंगे। लगभग दो तीन दिन तो लगेंगे अपने को। बाकी यार आज का मौसम अभी 7 बज रहे हैं और मौसम काफ़ी बढ़िया है, तो क्योंकि अभी गर्मियाँ इतनी चल रही हैं 45 डिग्री, लगभग कल भी 43 डिग्री के आसपास थी, लेकिन आज जो है कि मौसम बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी काम निपटाने का प्रयास अपन करेंगे। बाकी सात का पंजा यानी सप्ताह, इसको लेकर मैं जा रहा हूँ। बाकी साइलेंसर यार इसमें कोठी लगी है, तो मतलब इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो भाई मैं अगर रेस भी दूँ तो मतलब इतनी वो वाली बात नहीं है कि ये ज़्यादा आवाज़, बाकी बढ़िया है, ठीक है। इससे लुक काफ़ी मॉन्स्टर लग रहा है, आपको भी यहाँ से देखने में अच्छा लगता होगा। तो साइलेंसर के ऊपर एक फुल वीडियो मैं बनाऊँगा, इसको तो छोड़ो आप। तो चलते हैं अभी खेत पर और करते हैं अपना काम चालू। हाँ जी, तो ये आ चुका है अपना खेत। ताकि इस साइड थोड़ा सा तिरछा है, तो उस साइड से भिड़ेंगे, तो यहाँ से वहाँ तक। वैसे अपन ने पहले यूँ इसको बकरा था, अब इसको जो है कि यूँ बकरेंगे, क्योंकि बोनी जो है कि सोयाबीन की ऐसे होगी। ताकि पहले पानी भी गिर गया था, बढ़िया रहा क्योंकि अब ट्रैक्टर जो है कि कूदेगा नहीं और एक जैसा चलेगा, तो इससे तो फर्स्ट में यार लो के टाइम टॉप में चलाएंगे अपन, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इस खेत में अपन ने मिसाइल करवाया था, इस साइड से ज़्यादा वहाँ पर इसमें लगा है, ब्लो इसमें चल नहीं पाया था। बढ़ते हैं अभी इसको सेट करते हैं, बाकी काफ़ी दिन हो चुके हैं यार अपने को, अब यही काम चलने वाले हैं, खेतों के यही काम चलने वाले हैं बोनी वगैरह के, क्योंकि अभी तक तो अपन ने खेतों को पटक ही रखा था। तो शायद वीडियो आती रहे। हाँ जी भाइयों, तो अपन ने जो है कि सेट कर दिया है अपने सत्ते को, बाकी काफी बढ़िया चल रहा है। वैसे इतने ज़्यादा ये तो नहीं हो रहे हैं, वैसे फ़र्क इतना ही पड़ रहा है देखो। बाकी इससे क्या है कि जो बची हुई ज़मीन है वो पलटी हो जाएगी, जिससे जो है कि धान ज़्यादा पकने की संभावना है, क्योंकि जो है कि मिट्टी की पलटी हो जाती है, और जो अपने तोते में जो मिट्टी बची थी वो मिट्टी भी कट जाएगी, क्योंकि पहले अपन ने ऐसे बकरा था, अब ऐसे बकर रहे हैं, इससे भी फर्क पड़ता है।
बढ़िया चल रहा है अपना ट्रैक्टर, क्योंकि ज़्यादा भगाने वाला तो काम है ही नहीं, बिल्कुल मीडियम काम है। घुमाइदा घुमाइदा, ए ए घुमाइदा, आ घुमाइदा, गियर बदल गियर। ओके ओके, साइड है ये पत्थर, क्योंकि ये पत्थर वाला खेत है, और इस साइड जो है कि अपना लहसुन दे दो, मतलब इसमें इतने स्पीड है कि ट्रैक्टर धीरे चलाना पड़ता है, और इसमें मतलब भगाओ अपने को कोई लोड नहीं। तो अभी लो के टॉप में भी चलाए हैं हम, उसको सेकेंड में चलाएंगे, क्योंकि पत्थर तो है नहीं। ये देखो भाई नॉर्मल तरीके से चल रहा है, कोई लोड वोड नहीं, कोई दब नहीं रहा, क्योंकि इस खेत में पत्थर नहीं है। अगर पत्थर होते हैं तो ये ट्रैक्टर मतलब बहुत ही ज़्यादा कूदता। ही दो आपको कि क्या दिक्कत होगी। ये कूदेगा इतना
कि मैं परेशान हो जाऊं। ये दबने वाली कोई बात नहीं, बस बैठने वाले को इतने मचके लगे हैं कि बस कुछ हो मत। इसलिए भैया आराम आराम से चलो, क्योंकि घर की कहती है, पर वो कोई लोड वाली बात नहीं है। खेती करो बिल्कुल बिंदास, बाकी कुछ माहौल खेत का, गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई है। सुबह काफी बढ़िया मौसम था, नहीं तो इस वाले छत में तो मतलब इतनी गर्मी लगती है कि पूछो ही मत। बाकी इस बार इसमें रोटावेटर भी करना पड़ेगा, तब जाकर मजे आएंगे इसमें। बिजली का खंभा आ चुका है, पड़ गया अपना सारा काम। तो ये है कि लास्ट राउटा इसे बोल सकते हो आप, तो कुछ इतना बड़ा अपना खेत था, तो वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं किया अपने, बाकी काफ़ी दूरी रोड के लिए आप वीडियो बनाए। अगर आज वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो कुछ खास था नहीं अपनी वीडियो में, लेकिन नए नए कंटेंट लाते रहेंगे, हो सकता है अब 8-15 दिन में आपको एक आधो टोशन की वीडियो देखने को मिल जाए। तो बने रहिए अपनी वीडियो में। बाकी अब ये चल रहा है लोग के टॉप में, क्योंकि जल्दी जल्दी घर जाना है, घर पर जो है कि काम हो गया। तो बाकी अपने जो बचे हुए खेत हैं उनको आज तो नहीं, फिर कभी देखेंगे, क्योंकि अब तो गर्मी चालू हो गई है, तो आपको कोई संभावना नहीं है फालतू। वैसे दिक्कत ट्रैक्टर में भी नहीं है कि ट्रैक्टर गर्म हो, दिक्कत अपन में है, क्योंकि अपन अगर गर्म हो गए चलते हैं अभी फिलहाल घर पर, और अपना जो प्लो वाला खेत है उसे भी सुधराना है, या तो अपन ही सुधारेंगे या फिर किसी को बोलेंगे, क्योंकि अपन ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करते। बाकी ये कई पत्थर में और कहीं टकरा जाती है तो ऐसे आवाज करती है जैसे कुछ हो गया है। बाकी ये स्थिति थी आज की, और सप्ताह अपन ने जो है कर दिया। देखो मेरे भी हाथ काले हो गए, मुँह भी काला हो गया। बाकी इसको रखते हैं ऊपर, जैसे इसकी अपने ट्रैक्टर की यही खासियत है कि दूसरा अगर ट्रैक्टर हो तो धरा उसका नीचे अड़े, लेकिन इसका नहीं उड़ेगा, इसका नहीं अड़ेगा, लेकिन फिर भी टूटने की संभावना है इसकी। बाकी ये नट मैंने लगाया क्योंकि एक जगह धरा जो है कि निकल गया था। तो रखते हैं इसको आज के लिए इतना ही, नई वीडियो लाते रहेंगे। हो सकता है अब एम्पलीफायर भी इसमें लगा दें अपन, और ये जो आसपास वाले बॉक्स दिख रहे हैं स्पीकर के, इस पर मैं क्या मनवाऊँ। मेरा तो मन हो रहा है कि इस पर जो है कि टोचन वाले एक ट्रैक्टर इधर और एक ट्रैक्टर उधर कर कर ऐसा कुछ बनवाएं। बाकी चलते हैं घर, मिलते हैं किसी को न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।